ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने धर्मशाला में कहा कि कोरोना संकट काल में मनरेगा के माध्यम से 2.70 लाख परिवारों को रोजगार दिया जाएगा। एक एक परिवार के 2 या 3 लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। 21 अप्रैल के बाद 90 करोड़ रुपए की राशि लोगों के खाते में डाली जा चुकी है। इतनी ही राशि की अदायगी मेस्ट्रोल के माध्यम से भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी शुरुआत की जा चुकी है, जो कि किचन गार्डनिंग के लिए भी है। पंचवटी योजना के तहत पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें कैफेटेरिया और शौचालय भी बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 400 करोड़ की राशि केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रदेश में आई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रथम चरण में 500 पंचायतों को कचरा मुक्त किया गया है, जबकि दूसरे चरण में 500 और पंचायतों को कचरा मुक्त किया जाएगा। आज हमने मनरेगा के माध्यम से करीब 2,70,000 परिवारों को जो है वो सीधे तौर पर जो है वो हमने रोजगार दिया, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा जो है वो लोगों को हमने रोजगार दिया है। कई एक एक घर से 2-2 लोगों को भी रोजगार है, और सीधे तौर पर जो है वो हमने 90 करोड़ से ज़्यादा जो है 21 अप्रैल के बाद जो है वो लोगों के खाते में पैसा डाला है, और इतना ही पैसा जो है वो हमने मटेरियल हेड में जो है उसकी पेमेंट की है। वहीं स्वच्छ भारत अभियान में SBM में जो है वो हमने कुछ प्राथमिकताएं बदली हैं, हमने नई योजनाएं लॉन्च की हैं। एक मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए हमने लाए हैं किचन गार्डनिंग बनाने के लिए, और दूसरी योजना जो है वो पंचवटी की लाए हैं। हमारे पास प्रदेश के अंदर ऐसा स्वच्छ भारत में पैसा पड़ा है, हम इनका कन्वर्जेंस करके बढ़िया हम पार्क बनाएंगे, पंचवटी पार्क भी बनाएंगे, जहां पर गांव का सार्वजनिक स्थान होगा और उसके अंदर कैफेटेरिया भी बनाएंगे और शौचालय भी जो है वो साथ में एक इंटीग्रेटेड हमने प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किया है, उसकी गाइडलाइंस हमने विभाग को दी हैं, और इसका हम एक समय अवधि तक जो है उस पैसे को खर्च करेंगे, क्योंकि करीब 400 करोड़ से ज़्यादा पैसा जो है वो हमें केंद्र ने माना है कि स्वच्छ भारत अभियान में दिया है। हमने पहले चरण में 500 पंचायतों को कचरा मुक्त किया है, और दूसरे चरण के लिए भी हमने 500 पंचायतें जो है वो कचरा मुक्त के लिए जो है वो रखी हैं। तो इन सभी अभियानों को हम तेजी लाने के लिए जो है वो इस बैठक को कर रहे हैं। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस साल के अंत तक प्रदेश को असहाय गौवंश से मुक्त किया जाएगा। इसी के साथ जिला कांगड़ा को भी मार्च 2021 तक गौवंश से मुक्त करके इन्हें गौशालाओं और गौ सेंचुरी में पहुंचाया जाएगा। इसके लिए मनरेगा के नियमों में भी छूट दी गई है। साथ ही पशुपालन और ग्रामीण विकास ने साझा अभियान इसके लिए छेड़ रखा है, जिससे जिला कांगड़ा में 5 गौ सेंचुरीज बनाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि CM ने योजना की शुरुआत कर दी है कि जो पंचायतें या NGO गौशालाएं चला रही हैं और जो पंचायतें या NGO पशुओं को एडॉप्ट कर रही हैं उन्हें 500 रुपया दिया जाएगा। वीरेंद्र कंवर धर्मशाला में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा करने पहुंचे थे। वहीं पशुपालन विभाग में भी हमारी प्राथमिकता है कि हम जो सड़क पर जितना गौवंश है उसको इस वर्ष के अंत तक जो है वो गौ सेंचुरीज में या गौशाला में जो है वो लेकर के आए, और उसमें हमने मनरेगा से नियमों को भी जो है थोड़ा रिलैक्स किया है कि शेल्फ की जरूरत नहीं रहेगी। अगर किसी गौशाला में अगर गाय के लिए शेड बनना है, गाय के लिए खुरली बननी है, तो उसके लिए भी हम जो पशुपालन विभाग है और ग्रामीण विकास विभाग मिलकर के एक साझा अभियान जो है वो चला रहे हैं। और वैसे भी यहाँ पर आपके 5 गौ सेंचुरीज जिला में बन रही हैं, तो हम एक लक्ष्य लेकर के चले हैं कि मार्च महीने तक कांगड़ा जिला भी जो है वो कैटल फ्री हो जाए, जहाँ सड़क पर जो है वो गौवंश जो है वो ना रहे। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है कि जो पंचायतें जो NGOs गौशालाएं चला रही हैं, हम 500 रुपये प्रति एनिमल्स है वो जो उनको अडॉप्ट करेंगी उनको देंगे। जो कोरोना की परिस्थिति भी रहेगी, क्योंकि अब ये डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि हो सकता है कि हमें लंबे समय तक जो है वो इसके साथ चलना पड़ेगा,
तो अब चुनाव भी इसी के साथ होंगे, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, राज्यसभा के हो रहे हैं, अपना बिहार के चुनाव हो रहे हैं, तो 25 चुनाव भी समय सीमा के तहत होंगे। कोरोना उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, जो भी हमको करना है वो डिप्टी कमिश्नर्स के माध्यम से, जो चाहे वो 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क कवर वितरित करने हैं, साबुन से हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करना है, सैनिटाइजर देने हैं, हर चीज हम करेंगे, लेकिन चुनाव समय पर होगा।